नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है, जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के राज्य पार्टी को एकत्र कर रहा है। ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कुछ प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है, ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं। बिहार में विपक्षी एकता को मजबूत करने में नीतीश कुमार लगे हैं, ऐसे में 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, कहा RJD के 5 MP हैं क्या? नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 500 MP उनके पास है और विपक्षी एकता को चले हैं मजबूत करने, खाली ये लोग डपली बजा रहे हैं, अपने जाति को खुश करने में लगे हैं। विपक्षी एकता को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है, ममता बनर्जी से मिलने गए थे, क्या हुआ? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, अखिलेश प्रसाद से, उनके पास 5 MP हैं, क्या कर लेंगे ये लोग? विपक्षी एकता को क्या मजबूत करेंगे? 2014 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ? सब कुछ धरे के धरे रह गए, ये लोग सिर्फ ढपली बजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने जाति को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जरा उनके बयान पहले आप। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है, जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के राज्य पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ, आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछना ये चाहिए था कि क्या समझौता हो गया, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई, कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई TMC बिहार में आकर एक सीट भी देंगे, वो हमको हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां? आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 MP जीती थी सपा, 2019 में भी उनके 5 MP जीते हैं, और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 MP आप ही के पास है, तो 2 0 को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा? अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई, भाजपा के बी टीम आप हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उस प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है, ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं। ये बैठ के जाकर वहां चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, अगर इससे विपक्ष मजबूत हो जाता तो आज से 20 वर्ष पहले देश विपक्ष मजबूत हो गया होता। ये लोग अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, कोई दौरा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, क्या राजनीति करेंगे? तो सत्ता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद से आप छोड़ दे तो 5 को वर्कर उनके साथ नहीं मिलेगा आपको। हम नहीं उनके साथ रहे, हम नहीं जानते हैं उनकी पार्टी का इतना दम है। आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी के 5 MP नहीं है, वो चले हैं देश के प्रधानमंत्री तय करने, अपने पार्टी का ठिकाना नहीं और चले हैं विपक्षी एकता को मजबूत करने। यानी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से आरजेडी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। अपने सहयोगी विकास के साथ बने रहें देश न्यूज के लिए और देखते रहें देश न्यूज।